हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं अभी और भी अच्छे वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ और अब मैं वापस इसको कर रहा हूँ, तो जो मेरे नए वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं आईटेप पे, और स्टूडेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, आज बात करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, वन इज सी एफ एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास रियल रूट है, डिस्टिंक्ट है तो सी एफ कैसे होगा, इक्वल रूट है तो कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स रूट है तो कैसे होगा, इरेशनल रूट है तो कैसे होगा, वो सब मैं बता चुका हूं, तो वो भी आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे यहां पे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस टाइप से, है ना, और यहां पे e की पावर x है, अगर ये जो फंक्शन है e की, देखो यहां पे e की पावर x हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो सकता है, e की पावर x किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में हो सकता है, बहुत सारे अलग 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 फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको e की पावर x अगर हमारे पास यहाँ दे रखा है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो सुन, यहाँ पे होता है क्या, जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो ये पूरी की पूरी जो सिम्बॉलिक फॉर्म है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, राइट, मतलब e की पावर x के नीचे लेके जाएंगे, फिर जहां पर भी d है वहां पे a रख दीजिए, क्लियर है, तो आपका इसका पी आई आ जाएगा। हाँ, पर ये जो डिनोमिनेटर ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर बाय चांस डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे यहां पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये प्रोसेस जब तक करते हैं जब तक कि डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नहीं हो जाए, राइट। एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका पी आई क्या होगा तो इसमें क्या करेंगे, देखो सी एफ तो हमें पता है, इसमें जैसे नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन जो होता है हम क्या करते हैं, जहाँ डी होता है वहाँ एम रखते हैं, राइट, तो हम जानते हैं इसमें यहाँ पे एम इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो इसका जो सी एफ होगा वो होगा वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स। अब बात करते हैं इसमें पी आई में, तो ये डिनोमेटर में लेके जाएंगे, राइट, तो ये आएगा ई की पावर टू एक्स अपॉन डी माइनस वन, फिर जहाँ पर भी डी है वहाँ टू रख दीजिए, तो सुनिए यार ई की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस वन आ जाएगा, तो यार ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, राइट, एंड फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास सी एफ प्लस पी आई, राइट। सो वाई इज इक्वल टू ये आएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स। पर स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन में हमारे पास चेंज हो जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाए डी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो यार सी एफ तो इसका सेम टू सेम ही रहेगा, राइट, सी एफ में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये आएगा सी वन ई की पावर एक्स। पर स्टूडेंट, यहाँ पे पी आई में क्या होगा, जैसे आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट जहां पर भी डी है वहां पे वन रखेंगे, क्योंकि इसका पावर का कोफिशिएंट वन है, राइट, है ना, जैसे यहाँ टू था तो टू रखा, यहाँ पे वन है तो वन रखेंगे, पर वन रखने पर आप देख लो डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है, जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो हम ऊपर एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो वन आएगा, राइट, तो यार ये हमारे पास पी आएगा, फाइनल आंसर सी ए प्लस पी आई। तो यार ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊं उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, वन बाय वन एक एक केस डिस्कस करते हैं, राइट। अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है और यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो जब भी कांस्टेंट दे रखा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ इसका सी एम, तो सुन एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हो यार इसको सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू आएगी वन एंड टू, राइट, तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स। अब इसमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें वन है तो यह आएगा वन अपॉन नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, इसमें जो वन है इसको हम लिख देंगे ई की पावर जीरो एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, इसमें जहां पर भी डी है वहां जीरो रख दीजिए, तो इसमें जहां पर भी डी है वहां पर जीरो रखेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें जीरो माइनस जीरो एंड यार ये प्लस टू हो जाएगा, तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर जीरो एक्स अपॉन टू हो जाएगा, इसमें e की पावर जीरो की वैल्यू वापस वन रख दीजिए तो वन बाई टू, तो सुन ये इसका क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा, राइट, देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या होता है y इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, राइट, तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी वन ई की पावर एक्स सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस पी आई, यहाँ पे कितना रहा है सुन वन बाई टू, सो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम ये सॉल्व करते हैं। इसमें बात करेंगे सबसे पहले सी एफ की, तो यह आएगा एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार एम की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस टू माइनस टू, तो हम जानते हैं इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा। इसमें पी आई के बारे में बात करेंगे तो वाई इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास e की पावर 2x d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, इसमें जहां पर भी d है वहां पे 2 रख दीजिए, जब 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू प्लस 4 हो जाएगा, तो आप देख रहे हो हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू e की पावर 2x, आप देख रहे हो 4 और 4 8 और 8 और 8 16, तो यार ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, सी ए प्लस पी आई हो जाएगा, राइट। तो यार इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है सुन यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं e की पावर एक जहाँ d है वहाँ पे a रखते हैं और डिनोमिनेटर में जीरो, अभी मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो हम वहाँ पे x ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेचर डिफरेंशिएशन करते हैं। उस पर बेस्ट इक्वेशन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पे आएगा हमारे पास एम फोर प्लस एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसमें सबसे पहले यहाँ पे इसकी रूट्स निकाल लेते हैं, इसकी रूट्स हमारे पास क्या रहे तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे देखोगे एम इज इक्वल टू वन, इसको यहाँ पे क्या कर रहा है सुन सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख रहे हो सुन एम इज इक्वल टू वन रखने पर यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुन एम माइनस वन इज इक्वल टू, देखो एम इज इक्वल टू वन इसको जीरो कर रहा है तो यार एम माइनस वन इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यार एम माइनस वन को आप कितनी बार लिख दीजिए सुन चार बार लिख दीजिए, राइट। इसको चार बार लिखेंगे क्योंकि पावर फोर है, राइट। अब सुन यहाँ पे एम पावर फोर चाहिए तो ये एम क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एम क्यूब जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम क्यूब, पर भैया हमें तो प्लस का एम क्यूब चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्लस का टू एम क्यूब चाहिए, राइट। तो इसको प्लस टू एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखो टू एम स्क्वायर से ये होगा माइनस का टू एम क्यूब टू एम स्क्वायर, पर हाँ यार हमें तो यहाँ पे एम स्क्वायर चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्लस का थ्री एम स्क्वायर चाहिए, राइट। इसका मतलब मैं इसको प्लस थ्री एम से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। अब ये आएगा माइनस का थ्री एम, क्या आएगा सुन यहाँ पे माइनस का थ्री एम आएगा, जबकि हमें तो माइनस का एम चाहिए, इसका मतलब प्लस का टू एम चाहिए वापस आपको, तो प्लस का टू कर दीजिए, है ना। तो यार ये हमारे पास फाइनल आगे आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करेंगे एम माइनस वन हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है कॉमन आ रहा है, राइट। तो जब एम माइनस वन यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा तो आप देख रहे हो अंदर हमारे पास क्या होगा सुन एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसमें नेक्स्ट देखिए जब आप इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट एम इज इक्वल टू माइनस वन इसको यहाँ पे क्या कर रहा है जीरो कर रहा है, राइट। तो हम एम माइनस वन इसको जीरो कर रहा है, मतलब एम इज इक्वल टू माइनस वन जीरो कर रहा है, इसका मतलब ये आएगा एम प्लस वन एम प्लस वन एंड एम प्लस वन हम तीन बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना। देखो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसमें यहाँ पे आप एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो ये आएगा हमारे पास एम क्यूब, इसमें एम स्क्वायर से हुआ तो अब वापस हमारे पास यहाँ पे एम स्क्वायर चाहिए, एक एम स्क्वायर आ रहा है एक और चाहिए तो ये प्लस एम आ जाएगा, राइट, है ना। तो सुनिए हमारे पास एम स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब ये आएगा हमारे पास एम, जबकि हमें थ्री एम चाहिए तो प्लस का टू हो जाएगा, राइट। तो सुनिए यहाँ पे क्या करो एम प्लस वन को कॉमन निकाल दीजिए, है ना। तो एम प्लस वन ये आएगा, ये हमारे पास एम माइनस वन है, इसमें अंदर हमारे पास क्या बचा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब अलग अलग जीरो रख देंगे तो सुन यहाँ से एक तो वैल्यू आ रही एम की वैल्यू वन, एक आ रही माइनस वन, और यहाँ से हम सॉल्व कर लें तो सुन यहाँ पे एम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा वन माइनस का फोर ए सी, तो माइनस का एट आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू। तो आप देखोगे सुनिए आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आयोटा बाय टू, हमारे पास दो रूट ये आ जाएंगे, क्लियर है। दो रूट ये आएंगे, दो रूट हमारे पास ये आ जाएंगे, राइट। इसका जो सी एफ होगा वो मैं आपको बता, देखो सी एफ भी थोड़ा सीखते रहिए साथ साथ में समझ में आ जाएगा। तो सुन सी एफ हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा सी वन ई की पावर एक्स सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस, सुन यहाँ पे इसका रियल पार्ट आ रहा है माइनस वन बाय टू, तो ये आएगा ई की पावर माइनस का एक्स बाय टू, ये आएगा हमारे पास सी थ्री कॉस रूट सेवन बाय टू एक्स, है ना, प्लस सी फोर साइन रूट सेवन बाय फोर सेवन बाय टू एक्स आ जाएगा, राइट। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा इसका सी एफ आ जाएगा, राइट। अब बात करेंगे सुन इसके पी आई के बारे में, तो वाई इज इक्वल टू ये क्या आएगा सुन ई की पावर एक्स अपॉन डी पावर फोर प्लस डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू। सुन आप देख रहे हो जहाँ पर भी डी वहाँ वन रखेंगे तो आप देख रहे हो नीचे जीरो हो रहा है, जब भी नीचे जीरो होता है तो हम ऊपर एक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फोर डी क्यूब प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस का टू डी माइनस का वन, सुन वापस डी की जगह वन रख दीजिए, तो जब वन रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी फोर प्लस थ्री प्लस टू एंड माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स चार और तीन सात और दो नौ और ये आठ, तो सुन वाई इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा सी ए प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इजीली सॉल्व करते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई है तो भी उसके पी आई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कॉन्स्टेंट ऊपर आ जाएगा, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ सुन इसका सी एफ लेंगे तो हम जानते हैं एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हैं सुन यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वन एंड टू। तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा हमारे पास सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स। तो सुन देखिए इसका पी आई एंड पी आई की बात करेंगे तो वाई इज इक्वल टू ये आएगा थ्री ई की पावर थ्री एक्स अपॉन नीचे आएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस का टू। इसमें जहाँ पर भी डी है वहाँ पे थ्री रख दीजिए तो ये आएगा ई की पावर थ्री एक्स, तो ये आएगा थ्री रखेंगे तो नाइन माइनस नाइन प्लस का टू, आप देख लो नाइन से नाइन कैंसिल, तो ये आएगा थ्री बाई टू ई की पावर थ्री एक्स। इसमें फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा सी ए प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं। सुन एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। अब होता क्या है सुन जब हमारे पास दो टाइप के फंक्शन ऐसा अगर हमारे पास आ रहा है तो यार कैसे हम उसका पी आई निकालेंगे, राइट। कभी कभी एग्जाम में कोस हाइपरबोलिक एक्स भी आ जाते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर इस क्वेश्चन में ऐसा आ जाए जैसे डी स्क्वायर माइनस का सिक्स डी प्लस एट इंटू वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाए या साइन हाइपरबोलिक एक्स
एक्स आ जाए। तो इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू होता है। इसका फार्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो यार ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है, जब भी कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक लिख रखा है यहाँ पे तो आपको ये वैल्यू सीधे इसे पुट कर देनी राइट। अगर यहाँ पे ए एक्स है तो यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए ए आ जाएगा राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो इसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं, जब इसकी बात करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इसमें हम जानते हैं इसके जो रूट आएंगे वो टू और फोर आएंगे। इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर फोर एक्स। अब इसका पी आई निकालेंगे हम। तो इसमें पी आई में हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये आएगा ई की पावर टू एक्स प्लस वन। तो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो इसमें आएगा ई की पावर फोर एक्स प्लस टू ई की पावर टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस एट। इसमें इसको अलग अलग कर दीजिए तो जब इसका पी आई निकालेंगे आप तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर फोर एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का सिक्स डी प्लस एट राइट। अब इसके नीचे रखेंगे तो ये आएगा टू ई की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस एट। एंड इसमें इसके नीचे रखेंगे तो ये जीरो एक्स ले लीजिए ई की पावर, तो ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस है ना, क्योंकि वन है तो ई की पावर जीरो एक्स ले लीजिए राइट। इसमें जहाँ पर भी डी है वहाँ पर फोर रखिए, तो इसमें नीचे फोर रखने पर मेरे हिसाब से जीरो आ रहा है क्योंकि फोर इसका रूट होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सोलह और ये आएगा हमारे पास चौबीस, हाँ सोलह और जीरो हो रहा है। इसमें जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा राइट। इसमें फिर जहाँ पर डी है वहाँ पर रख दीजिए फोर, तो ये आएगा हमारे पास आठ में से चार रखेंगे तो आठ, आठ में से छः गया, इसमें आठ माइनस छः हो जाएगा राइट। इस टाइप से जब यहाँ रखेंगे इसमें तो यार ये भी हमारे पास जीरो हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है चार एंड ये हो रहा है हमारे पास बारह, इसमें ये भी जीरो हो रहा है। जब ये जीरो होता है तो हम ऊपर एक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे हमारे पास क्या होगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा राइट। अब जहाँ पर भी डी है वहाँ पर रख दीजिए, क्या रख दीजिए इसमें टू रख दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास चार माइनस छः राइट। अब इसको निपटते हैं, सुन जहाँ पर डी है वहाँ पर जीरो रख दो तो सुन ये आएगा ई की पावर जीरो एक्स अपन ये जीरो माइनस जीरो प्लस का एट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर जीरो एक्स अपॉन एट हो जाएगा राइट। सो सुन वाई इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स अपॉन टू, सुन ये आएगा माइनस टू से टू कैंसिल, तो ये आएगा एक्स ई की पावर टू एक्स इसमें वन अपॉन एट। तो यार ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा सी ए प्लस पी आई। और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं चाह रहा हूँ इस बार कि मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊँ वो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक एक फंक्शन को साथ में लो, जैसे मैंने आज इक्की पावर एक्स बताया, नेक्स्ट जो क्लास लेने वाला हूँ वहाँ पर साइन और कॉस दोनों को मिक्स क्वेश्चन लेने वाला हूँ कि साइन और कॉस का पी आई कैसे लगता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर एक्स का फंक्शन जो होगा उसका पी आई कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि प्रोडक्ट फंक्शन का पी आई कैसे निकाला जाता है राइट। तो सुनो आपके पास आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है ई की पावर फाइव एक्स और आपको इसका पी आई निकालना है। इसके यहाँ पे पांच चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड लगा और क्या इसका राइट ऑप्शन है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने अभी नया वर्जन अपलोड किया है उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुन जो पुराना वर्जन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। मेरा जो नया चैनल्स पे गेट सीएसआर नेट और आईडीजेम पे मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, आप यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके मेरे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।